अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सेफ्टी बेल्ट पहन सकते हैं। सेफ्टी बेल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। बिना सेफ्टी बेल्ट पहने आपको टॉवर पे क्लाइंब नहीं करना है, क्योंकि बिना सेफ्टी बेल्ट के टॉवर पे चढ़ने में रिस्क रहेगा और आपको रिस्क किसी भी तरह नहीं लेना है। तो ये बिना पहने आपको टॉवर पे नहीं चढ़ना। तो इसको पहनने के लिए आप सबसे पहले इसे दोनों हाथों में पहनिए। दोनों हाथों में पहनने के बाद आप इसे लेफ्ट लेग में पहनिए। लेफ्ट लेग में आप इस तरह से इसका ये टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको उसकी बेल्ट टाइट कीजिए, फिर राइट लेग में बेल्ट टाइट कीजिए। इस तरह से राइट लेग में आपने बेल्ट टाइट की, फिर अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको चेस्ट पे इसका ये बेल्ट टाइट कीजिए कि खुले ना इस तरह से और ढीली भी ना रहे। जी बिल्कुल, इस तरह से ही आपका आपने चेस्ट से टाइट कर लिया है इसे। चेस्ट से टाइट करने के बाद अब ये आपने सेफ्टी बेल्ट पहन ली है पूरी। ये इसकी रोप है। अब रोप को अगर ये एक्स्ट्रा है तो आप अकॉर्डिंगली या तो इसे बॉडी पे आप राउंड ऑफ कर लीजिए जिससे ये एक्स्ट्रा ना रहे, और राउंड करने के बाद ये दोनों आपके हुक हैं। अब जब आप लैडर पे चढ़ेंगे तो पहला हुक नीचे लगाइए और 2 स्टेप्स छोड़ के दूसरा हुक ऊपर लगा लीजिए, फिर ऊपर चढ़िए, फिर नीचे वाला ऊपर कर लीजिए, फिर ऊपर वाला निकाल के फिर ऊपर कर लीजिए। इस तरह से आप इसे लैडर पे चढ़ सकते हैं। ये पीछे से इस तरह से आपकी सेफ्टी बेल्ट पहन ली जाएगी। सेफ्टी किट में 3 तरह की चीज़ें रहती हैं जो इंजीनियर को पहननी ही है सर्वे करते वक्त। पहली चीज़ रहेगी आपकी सेफ्टी हार्नेस, जिसे आप सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं। दूसरी चीज़ आपकी सेफ्टी शूज़, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इंजीनियर ने पहने हुए हैं। और तीसरी चीज़ होती है सेफ्टी हेलमेट। इसके बाद आपको सेफ्टी हेलमेट पहनना होता है। ये आपकी सेफ्टी हेलमेट है, दिस वन, इसको आपको पहनना होगा। अब इस तरह से ये इंजीनियर तैयार हो गया है टॉवर पे चढ़ने के लिए, क्योंकि इसने तीनों चीज़ें पहन ली है। ध्यान रखिएगा, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने आपको टॉवर पे नहीं चढ़ना। जब भी आप सर्वे कर रहे हैं और आपको टॉवर पे क्लाइम करना है, सेफ्टी बेल्ट ज़रूर पहनिए। उसके बाद जिस तरह आपने पहना उसी तरह से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपल है कि सेफ्टी बेल्ट रिमूव करने के लिए आप पहले अपने ये जो आपने हुक टाइट किए थे इन्होंने बॉडी से, जो कि इन्हें इस वक्त हेलमेट उठाना था तो इन्होंने बॉडी से उसे टाइट कर लिया था, तो ये हुक को आप हटा लीजिए सबसे पहले। हुक को हटाने के बाद दोनों नीचे रख लीजिए इसे आराम से। उस तरह से इसे आप बस इसको जो आपने बेल्ट इसको अभी टाइट की थी उस बेल्ट को आप रिमूव कर दीजिए। दोनों लेग से रिमूव कर लीजिए, और दोनों लेग से रिमूव करने के बाद आप इसको अपने चेस्ट से रिमूव कर लीजिए और ये सेफ्टी बेल्ट आप पूरी रिमूव कर लेंगे। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम जीपीएस को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद कैसे सेफ्टी बेल्ट पहन सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।